इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि महिलाएं ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। बता दें कि दो महिलाएं ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कन्नौजिया। जी राकेश, जैसा कि ट्रैक पार करते समय दो महिलाएं ट्रेन की चपेट में आ गई, तो ये कब की घटना बताई जा रही है? देखिए मनीषा जी, थाना अस्मादौला यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेनों का हमेशा आवागमन बना रहता है, जिसमें मरुधर एक्सप्रेस आ रही थी, उसी दौरान दो महिला थी मधु और सना। मधु और सना जो कि मोबाइल फोन पर बात करती हुई रेलवे लाइन को पार कर रही थी। मधु सुशील नगर की रहने वाली है, जबकि सना पासी से अब्बास नगर की रहने वाली है। दोनों महिलाएं मोबाइल फोन पर बात करते समय रेलवे लाइन को पार कर रही थी और मधुर एक्सप्रेस अपनी रफ्तार बढ़ाने की, दोनों महिलाएं ट्रेन की रफ्तार को नहीं समझ पाए और उनका ध्यान क्योंकि मोबाइल पर वो बात करती चली आ रही थी, इसी के चलते उनका ध्यान ट्रेन की रफ्तार पर नहीं गया और दोनों ही महिलाएं मधु और सना, एक अब्बास नगर की सना और मधु सुशील नगर की रहने वाली है, दोनों को ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया और दोनों ट्रेन ने जिसकी जो टक्कर मारी थी दोनों दूर जाकर गिरती है और सुशील नगर की रहने वाली मधु की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि जो सना है सना की हालत गंभीर थी और मौके पर तत्काल आरपीएफ और जीआरपी पहुंच जाती है और जो महिला मृतक महिला है मधु उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और घायल को जो सना है मधु उसको सना को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ये मामला है, क्योंकि जब आप रेलवे लाइन को पार करते हैं या फिर किसी सड़क को पार करते हैं मोबाइल फोन पर आप बात करते हैं तो सारा ध्यान आपका मोबाइल फोन पर रहता है और यही वजह थी कि दोनों महिला सना और मधु मोबाइल फोन पर बात करते समय रेलवे लाइन को पार कर रही थी और तेज रफ्तार से मरुधर एक्सप्रेस आती है और दोनों महिलाएं ट्रेन की चपेट में आ जाती है। मनीषा जी राकेश, तो इस घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, क्या परिजन मौके पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, जब जो घटना स्थल है उसके दूसरी तरफ ही सुशील नगर और अब्बास नगर है, घर से कुछ ही दूरी पर ये घटना हुई है और हादसे तत्काल बाद ही परिवार के लोगों को जानकारी, क्योंकि आसपास के लोग तमाम उन महिलाओं को जानते थे, तत्काल इसकी सूचना परिवार के लोगों को दी, परिवार के लोग दोनों के वहां पहुंच गए और परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। मनीषा जी राकेश, जैसा कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं तो रेलवे प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं है? देखिए इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है, इसमें रेलवे प्रशासन इस तरफ उनको ध्यान देने की आवश्यकता क्या है, जबकि तमाम सारे बोर्ड लगे रहते हैं। रेलवे लाइन पार करना भी एक अपने आप में अपराध है, जब रेलवे लाइन पार करते समय कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसे जुर्माना भी वसूला जाता है, अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसे जेल कर भेजा जाता है। लगातार इस बात को लेकर हिदायत भी दी जाती है कि रेलवे लाइन पार करना कानूनी अपराध है और लेकिन इसके बावजूद भी तमाम लोग आप देख सकते हैं कि जब रेलवे फाटक बंद होता है तो बंद रेलवे फाटक के नीचे से सभी लोग गाड़ियां निकालना शुरू कर देते हैं और झुका झुका कर निकालते हैं, कई बार हादसे हो चुके हैं और ऐसा भी हो जाता है कि इन हादसों के चलते जो लोग पार करते हैं उनसे ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी लोग लगातार मानते नहीं हैं और ऐसा काम करते हैं जैसे खुद भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश। एक बार फिर बता दें कि यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि दो महिलाएं ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।